इधर सोनभद्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अडानी ग्रुप के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अडानी ग्रुप पर कार्रवाई की मांग को लेकर झांसी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया, अडानी ग्रुप पर महाघोटाले का आरोप लगाया है। आप कार्यकर्ताओं ने झांसी कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से झांसी में ये प्रदर्शन किया गया। अगली खबर नोएडा से है, जहां नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल जब्त हुए हैं, साथ ही साथ 6 पासबुक और करीब 90 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। सेक्टर 8 के D309 में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड चल रहा था। महादेव बुक ऐप के जरिए ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करते थे। 500 रुपए से ऑनलाइन गेमिंग ऐप की शुरुआत होती। महादेव बुक का मालिक सौरभ चंदा कर कराता था। दुबई में ट्रेनिंग के बाद ये फ्रॉड होता था। फिलहाल दुबई से ट्रेनिंग लेकर 2 लोग भारत में ये फ्रॉड कर रहे थे। 10 बैंकों के 26 फर्जी बैंक अकाउंट, 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर और पुलिस ने 22 खातों से करीब 2 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए हैं। पिछले 2 महीने में करीब 400 करोड़ को के घोटाले को इन्होंने अंजाम दिया है। इनपुट को डेवलप करके रेड किया गया, जिसके अंदर से 16 लोग हमने जो है आज अरेस्ट किए हैं। ये 16 लोग झांसी, हमीरपुर, कुछ लोग लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं और इनके द्वारा एक ऑनलाइन महादेवा ऐप जो बेसिकली इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे या प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसके माध्यम से लोगों से फ्रॉड धोखाधड़ी करते थे। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें आपको कि बेकाबू कार और बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ। थाना बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के बरेली हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ। बेकाबू कार और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना बीसलपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वही कार है जो क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है जबकि एक की मौत हो गई है। बेकाबू कार और बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ, इसके बाद घायल को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। और अगली खबर आगरा से है, जहां सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टैंकर और बाइक के बीच में टक्कर से यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बाह थाना क्षेत्र के आगरा बाह मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टैंकर और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बाह थाना क्षेत्र के आगरा बाह मार्ग पर यह हादसा हुआ है। टैंकर और बाइक बताई जा रही है जिनके बीच भिड़ंत हुई, उसके बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।